दर्शकों नमस्कार, फोराई बिल्हौर कानपुर नगर से जहां इंडस इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहे इंडस प्रीमियर लीग में चहके बच्चे इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट बिल्हौर कानपुर में बड़े जोश खरोश के साथ संपन्न हुआ इंडस प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट। कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के द्वारा खेल की भावना से कई प्रकार के खेल खेले जा रहे हैं, जिसकी श्रृंखला में आज इंडस प्रीमियर लीग का आयोजन बड़े जोश खरोश के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर कॉलेज प्रशासन की पूरी तन्मयता से भूमिका रही। आज के इस टूर्नामेंट के दौरान कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर एन एस परमार, डीन एकेडमी अनंत सिंह, डीन एडमिनिस्ट्रेशन सिद्धार्थ भार्गव, डीन ह्यूमन रिसोर्सेज विजय कुमार दीक्षित, डीन स्टूडेंट वेलफेयर संजय सिंह, मैकेनिकल साइंस डिपार्टमेंट हेड सुभाष मिश्रा, सिविल डिपार्टमेंट हेड शिव मोहन दुबे, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हेड संजय सिंह, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट हेड विजय दीक्षित, अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट हेड हिमतोष नारायण द्विवेदी, पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट हेड हरिओम सिंह यादव, एमबीए हेड अभिषेक श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार धीरज जोशी, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड विशाल वाजपेयी के साथ साथ शिक्षकों में संजय त्रिपाठी, ब्रजेश मिश्रा, इंदु शुक्ला, प्रमोद कुमार, स्वाति वर्मा, अमित कुमार, सौरभ गुप्ता, अमन श्रीवास्तव, विजय सिंह, दिलीप जोशी, पुरुषोत्तम कुमार, मोहम्मद जावेद खान, आशीष कुमार, प्रदीप शर्मा, पवन कुमार पांडे, अनमोल सिंह, नीरज सैनी, दीप कुमार, सत्यन त्रिपाठी, संदीप कटियार, अशोक खरे, ज्योति यादव व नयन सिंह मिश्रा आदि मौजूद रहे। उक्त अवसर पर खेल को खेल की भावना से खेला गया। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की प्रबल भावना देखी गई। कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर निर्भय सिंह परमार ने कहा कि इस प्रकार के स्पोर्ट्स के आयोजन समय समय पर कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में होते ही रहते हैं। स्पोर्ट्स के अलग अलग टीमों के हेड्स समय समय पर संबंधित स्पोर्ट्स का आयोजन कराते रहते हैं, जिसके माध्यम से निश्चय ही छात्र छात्राओं में पाठ्यक्रम पर आधारित अध्ययन के साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट की भावनाएं प्रबल होती रहती हैं। स्पोर्ट्स हेड आशीष कुमार ने बताया कि उक्त इंडस प्रीमियर लीग में 4 टीमें बनाई गई थीं। पहली टीम के कप्तान अमित सिंह, दूसरी टीम के अंकित जोशी, तीसरी के नितिन और चौथी के हर्ष कुमार रहे, जिसके फाइनल राउंड में कप्तान अमित सिंह की टीम विजयी हुई। कॉलेज के प्रशिक्षकों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया, पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। बिल्हौर कानपुर नगर से संवाददाता एस के त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज। बहुत ही सुंदर था, बड़ा ही बच्चों ने बड़ा डेकोरेट कर रखा था, सब सारी चीजों को बड़ा ही मजा आया। हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने बड़ा ही अच्छा सहयोग दिया है और बच्चों ने जिस तरीके से अरेंजमेंट किया था वाकई लाजवाब था, वो जिस तरीके से बढ़िया। आइए जाने कॉलेज के डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा। सर, ये जो गेम हो रहा है क्रिकेट, ये कौन से बच्चे खेल रहे हैं और क्या ये इसके पहले भी हो चुका है, आज फाइनल राउंड है, क्या है हमारे संस्थान इस विषय में थोड़ा सा बताएं। हमारे संस्थान में विगत कई वर्षों से ऐसे आयोजन किए जाते हैं ताकि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हो सके। और जो आप टूर्नामेंट देख रहे हैं इसको हॉस्टल प्रीमियर लीग के नाम से किया जा रहा है। सम्मिलित रूप से सभी ब्रांच के सभी ईयर के छात्र छात्राएं हैं जो हॉस्टल में निवास करते हैं। सागर का सामना करेंगे स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे आपने डिवीजन कर रखे हैं, क्लब बना रखे हैं, या किस तरीके से इस तरीके के गेम की भावनाएं में आती हैं, स्वतः खेलते हैं या इनको ऐसा कुछ मोटिवेट करने वाला सिस्टम भी कॉलेज में है आपके? हमारे कॉलेज में मोटिवेट करने का सिस्टम भी है और हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्लब बना रखे हैं जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इंजीनियर बनने के साथ वो अच्छे अच्छे जनमानस के लिए सेवा करने में अच्छे नाम। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों के अपडेट आपको मिलती रहे।